हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एडजस्टिंग एंट्री जो है उसकी थ्योरी जानी थी कि एडजस्टिंग एंट्री होता क्या है। आज हम क्या करने वाले हैं कि आपके जो 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो चैप्टर है और एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, आज हम डिफरेंस जानेंगे। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड एडजस्टिंग एंट्रीज में। तो चलिए जान लेते हैं कि एक्चुअल में वो जो छोटा सा डिफरेंस है वो है क्या। सबसे पहले आ जाता है बेसिस ऑफ डिफरेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एडजस्टिंग एंट्रीज। मीनिंग, इफ एरर्स आर मेड इन अकाउंटिंग द एंट्रीज आर मेड टू रेक्टिफाई सच एरर्स, सच एंट्रीज आर कॉल्ड रेक्टिफाइंग एरर्स। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मीनिंग समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मीनिंग ये है कि अगर हम जैसे हम आ जाते हैं, हाँ सैलरी में ही ले लेते हैं, कि अगर सैलरी हमें किसी दो व्यक्ति थे राम और श्याम, हमको राम को 5,000 देनी थी, श्याम को 7,000 देनी थी, तो हमने गलती से क्या कर दिया है कि राम को 7,000 दे दी है, श्याम को 5,000 देती है। तो इस एरर को ठीक करने के लिए, इस गलती को ठीक करने के लिए जो एंट्रियाँ करेंगे वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, एक बार और सुनिए कि मैंने क्या कहा है। तो आई होप कि आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की मीनिंग समझ गए। अब जानते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इफ सम एडजस्टमेंट्स आर फाइंड आउट द एंट्रीज फॉर दोज एडजस्टमेंट्स आर कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्रीज। यहाँ पे क्या होता है कि हम डेप्रिसिएशन लगाना है तो उसके लिए हमें जो एक लाइन लिखी होगी कि डेप्रिशिएट फर्नीचर विथ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, तो ये जो पॉइंट्स हमें दिए रहेंगे इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक अलग चीज है, उसमें हमसे गलती हो जाती है। इधर पे क्या है कि एडजस्टमेंट हमें दिया है जो ईयर में हो सकता है। चलिए आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू मेक द ट्रायल बैलेंस टैली सो दैट फाइनल अकाउंट्स मे बी प्रिपेयर्ड एक्यूरेटली। अगर हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं इसके लिए तो हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं वो हमारा सही बन सकता है। अगर ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं तो हमें जितने भी एरर्स हैं वो रेक्टिफाई हो जाते हैं। इट ऑब्जेक्ट्स इज टू सी दैट देयर शुड बी नो इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सच ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हम कुछ चीज अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका जो अकाउंट है उसमें कोई भी इफेक्ट पड़े। अगर आप उसको नहीं भी लिखते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो प्रॉपरली बन जाता है। अमेंडेड ट्रायल बैलेंस आफ्टर मेकिंग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज अमेंडेड ट्रायल बैलेंस इज मेड। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करने के बाद अमेंडेड ट्रायल बैलेंस भी बनता है। आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज ऑल्सो एन अमेंडेड ट्रायल बैलेंस इज मेड विच इज कॉल्ड फाइनल ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे अमेंडेड ट्रायल बैलेंस बनता है, यहाँ पे फाइनल ट्रायल बैलेंस बनता है। यहाँ पे मतलब एडजस्टमेंट देखने के लिए, एरर देखने के लिए एक ट्रायल बैलेंस बनता है, लेकिन यहाँ पे जो बनता है वो ही फाइनल ट्रायल बैलेंस होता है। सच एंट्रीज मे बी मेड एट एनी टाइम बट दे आर मोस्टली मेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तभी हमें अपना एरर जो है वो सही में पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे एरर हुई है। सच एंट्रीज आर मेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट। ये सारी जो एंट्रियाँ होती हैं ये ज़्यादातर हमें फाइनेंशियल अकाउंट बनाने में ही दिखती हैं। मीन्स डेप्रिसिएशन है या सैलरी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, तो ये सारी चीज़ें हमें फाइनल अकाउंट बनाने में ही दिखती है। तो आई होप कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस जाते जाते यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना। इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, फेसबुक में फॉलो कर सकते हो और हमें कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।